पायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू। हाँ जी, राम राम दोस्तों, मैं अभिषेक भारद्वाज एक बार दोबारा से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जी के भाई अभिषेक भारद्वाज में। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई कुछ हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, मतलब जो कंपनी काल थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का काल था, उस समय हरियाणा की क्या स्थिति थी, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछ ले तो कवर करने की कोशिश की है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, 1-1.5 मिनट की वीडियो, तो एक बार देख लेना पूरी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो के। 19वीं सदी तथा कंपनी में हरियाणा में 70% हिंदू थे, मतलब 19वीं सदी में जब कंपनी ने भारत में अपना व्यापार किया तो उस समय हरियाणा में 70% हिंदू थे, जिसमें ब्राह्मण सबसे अधिक सम्मानित थे। हरियाणा में 28% मुसलमान थे। उसके बाद करनाल, हिसार, रोहतक जिले के मुसलमान सबसे अधिक यहाँ पर थे। मुसलमान करनाल, हिसार और रोहतक जिले में सबसे अधिक मुसलमान थे। उस काल में कस्बों की संख्या दर्जन से भी कम थी। कंपनी के काल में हरियाणा में लगभग 3000 गांव थे और गांव में जीवन पूरी तरह कृषि पर निर्भर था। 1833 और 34 के काल को नभिया का काल भी कहा जाता है। जाट, गुज्जर और अहीर खेती करते थे। हरिजन जो जाति के लोग थे वो मजदूरी करते थे। देवताओं में हनुमान सबसे ज़्यादा पूजनीय थे। खेती की बुनाई प्राय बुधवार को होती थी, ये परंपरा थी, जो खेती की बुनाई है वो बुधवार को करते हैं, ये लोग उसको शुभ दिन मानते थे। 3 व 13 संख्याएं अशुभ मानी जाती थी, तो उस समय जो 3 का आंकड़ा था वो जो 13 का आंकड़ा था वो अशुभ माना जाता है। अब भी कई लोग हैं जो इनमें विश्वास करते हैं, वो अब भी 3 को और 13 को अशुभ संख्या मानते हैं। तो आज के लिए कुछ छोटी सी वीडियो थी, तो अच्छी लगे हो तो एक बच्चा साइट शेयर कर देना भाई और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। और अगर किसी और टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। धन्यवाद दोस्तों।